सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो पता नहीं वो कार्य करते करते कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। हमने लालू प्रसाद यादव जी का भी जीवनी पढ़ा, हमने जॉर्ज फर्नांडिस साहब का भी पढ़ा है, नीतीश कुमार जी का भी पढ़ा है, ललित नारायण मिश्रा जी का भी पढ़ा है, तो हमने देखा ये सब लोगों के अंदर में कुछ न कुछ ऐसा था जो कि समाज इनको वहाँ से उठाकर यहाँ पे ला दिया है। मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड सिटी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ और मैं अभी लॉ एजेंसी चला रहा हूँ, प्रोप्राइटर झा कंसल्टेंसी एडवोकेट एसोसिएट नाम से हमारी कंसल्टेंसी है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वहाँ हमारे एसोसिएट्स हैं और जितने भी रिवीजन फाइल्स वगैरह होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे एसोसिएट्स जो हैं वो डील करते हैं। हम तो यह कहना चाहेंगे सर्वप्रथम लॉ की पढ़ाई जो है वो क्लास वन से ही शुरू कर देनी चाहिए, जैसे संस्कृत और हिंदी का पढ़ाई शुरू किया जाता है। जब तक इंसान जागरूक नहीं होगा, अपने पैर पे खड़ा नहीं होगा और उसे अपनी ताकत की पहचान नहीं होगी, तब तक वो मैनेज होता रहेगा मजबूत वर्ग के दलों के द्वारा। दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान, पेश है कर्मवीर का एपिसोड नंबर 23 और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज झा जी। दर्शकों हम बता दें मनोज झा जी झा कंसल्टेंसी के प्रोपराइटर हैं और इनका बहुत सारा कारोबार है, लीगल से जुड़ा हुआ है, हम बात करेंगे इनसे। आपके लिए इसलिए ज़रूरी है जानना इनको कि यह आप ही के जिला मधुबनी के गांव के रहने वाले हैं, सर्रा गांव आप जानते हैं, बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र में ही है सर्रा गांव और इस गाँव से उभरकर इन्होंने लीगल क्षेत्र में जो काम किया है न सिर्फ सराहनीय है बल्कि ये काबिले फ़ख्र भी है। मैं चाहूँगा दर्शकों से जो छात्र खासकर जो नए नस्ल के लोग हैं इनसे सबक लें ताकि आपकी भी ज़िंदगी मनोज झा की तरह रोशन और ताबनाक बन सके। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, मैं भी पहले स्वागत करूँ आपका। आप नेता भी हैं लेकिन विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको एक प्रोप्राइटर की हैसियत से मैं बात करना चाहूँगा। सर मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय मतलब पारिवारिक परिचय थोड़ा दे दें। हमारे पिताजी शिक्षक थे बोकारो स्टील सिटी झारखंड में, हम 5 भाई बहन हैं, हमारी बड़ी बहन भी शिक्षक है कोलकाता वेस्ट बंगाल में और जो बाकी के 3 छोटी है जो नेक्स्ट जो छोटी है वो DPS में है, PGT टीचर है, उससे जो छोटी है वो अमेरिका सेटल्ड है, MCA है, उससे जो छोटी है वो दिल्ली सेटल्ड है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कार्यरत है। आप कहाँ से करेंगे? मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड सिटी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ और मैं अभी लॉ एजेंसी चला रहा हूँ, प्रोप्राइटर झा कंसल्टेंसी एडवोकेट एसोसिएट नाम से हमारी कंसल्टेंसी है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वहाँ हमारे एसोसिएट्स हैं और जितने भी रिवीजन फाइल्स वगैरह होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे एसोसिएट्स जो हैं वो डील करते हैं। हमारा झारखंड एक रजिस्ट्रेशन है, एक हमारा कोलकाता रजिस्ट्रेशन है, एक मेरा दिल्ली रजिस्ट्रेशन है। फिर काम तो बहुत बड़ा है सर, तो सियासत में फिर आप कदम रख करके आपने लॉ किया होगा, स्वाभाविक है लॉ किया होगा आपने, उसके बाद ही इस कंपनी को खोला होगा। देखिए सियासत को अगर एक व्यवसाय नहीं समझा जाए, इसको एक अगर हॉबी समझा जाए, सामाजिकता जो एक इंसान के अंदर में होती है, कोई भी इंसान अगर सामाजिक है तो उसके रगों में जो है वो सियासत का खून में जो है वो बहाव होता है। आप कभी गौर करें गांव देहात कहीं दुलान पे आप बैठे तो सियासत की बात हर जगह होती है। तो जो लोग सामाजिक होते हैं वो सियासत से जुड़े होते हैं, जो सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो पता नहीं वो कार्य करते करते कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। हमने लालू प्रसाद यादव जी का भी जीवनी पढ़ा, हमने जॉर्ज फर्नांडिस साहब का भी पढ़ा है, नीतीश कुमार जी का भी पढ़ा है, ललित नारायण मिश्रा जी का भी पढ़ा है, तो हमने देखा ये सब लोगों के अंदर में कुछ न कुछ ऐसा था जो कि समाज इनको वहाँ से उठाकर यहाँ पे ला दिया है। तो मैं जो भी हूँ वो एक समाज के सपोर्ट से हूँ, यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। मुझे भी पता नहीं था कि राजनीति में मैं इतना टाइम निकाल पाऊँगा और कैसे निकालूँगा। 2010 में जब हमारा प्रवेश गांव में हुआ, मैं सर्रा गांव का रहने वाला हूँ बाबूबरही विधानसभा अंतर्गत, तो मुख्यतः रूप से
मैं 2010 में गांव में जब प्रवेश किया तो वहां पर देखा कि जो हमारा गांव है वो बहुत ही बुरी तरह से छोटे राजनेताओं के चक्कर में ग्रसित है और बड़ी ही दलाली किस्म की वो चीज़ जो थी वो उस वक्त थी। गरीबों से पैसा, एक तो पहले वो गरीब है, दूसरा उससे पैसा ठगकर इंदिरा आवास के नाम पे, वृद्धा पेंशन के नाम पे और उसको गरीब कर देना, वो कहीं से कर्जा लेके कहीं मंगलसूत्र गिरवी रख के थाना का कोई केस में पैरवी कराने के नाम पर, कोई इंदिरा आवास के नाम पर, कोई वृद्धा पेंशन के नाम पर नेताओं ने ठगने का काम कर रहे थे उस वक्त। तो जब हमारा उसमें इंटरफ्रेंस हुआ, मैंने इन सब चीज़ों को देखा तो लोग हमारे तरफ आकर्षित हुए और चूंकि हमारी जो अपने दोस्त अपना सर्कल था वो ISIPS का सर्कल रहा है, जैसे माननीय श्री आलोक मित्तल जी हैं वो अभी ADJ INA हैं, वो उस समय में फरीदाबाद SSP हुआ करते थे जब वो हमारे मित्र थे और बहुत सारे ISIPS अफसर हमारे कॉन्टैक्ट में थे, तो हमने इन सारे कॉन्टैक्टों का यूज़ करके थोड़ा बहुत काम कराया गांव में लोगों का, मतलब एक इंसानियत के नाते। फिर गांव के लोगों ने अपना इतना परिश्रम लगाया हमारे साथ, इतना आशीर्वाद दिया कि किसी तरह हम निर्दलीय बाबूबरही विधानसभा 2010 में चुनाव में लड़े। 2015 में लालू प्रसाद यादव जी हमको आश्वासन दिए थे, कहे थे या कहिए वादा किए थे कि 2015 में वो हमको विधानसभा का टिकट देंगे। उसी फलस्वरूप उससे पहले ही लालू प्रसाद यादव जी की गिरफ्तारी हो गई और हमारा उनसे मिल पाना जो है वो असंभव सा हो गया। तो 2015 में हमने चुनाव नहीं लड़ा, 2020 में फिर जो है वो चुनाव समता पार्टी से हमने 2020 में नॉमिनेशन किया। तो यहाँ तक का सफ़र जो है वो बस एक देन है हमारे गांव के लोगों का। हम रुख बदलना चाहेंगे आपका कि आप लीगल जो एजेंसी चलाते आप हैं, ये क्यों खोला आप, इससे समाज को कितना फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, हमने यह देखा कि एक एडवोकेसी ही ऐसा चीज़ है जिससे आप उचित प्रश्न प्रशासन से, उचित प्रश्न जो है मजबूत दलों के लोगों से कर सकते हैं, या एडवोकेसी ही एक ऐसा चीज़ है जब आप हर जगह से निराश हो जाते हैं तो कोर्ट से आप न्याय प्राप्त करते हैं, कोर्ट को जो है वो न्याय का देवता कहा जाता है। इसलिए मैंने इस लाइन को, जो हमारे अंदर में स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ का सम्मान रहे और मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, शोषित लोगों के लिए कर पाऊँ और जो कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत FIR बनाया जा रहा है या गलत किसी के साथ अपराध हो रहा है तो उस बात को हम कोर्ट में अच्छे से रख सकें। तो हमने इसको जो है एक हाई लेवल पे किया, चूँकि अकेले मैं सक्षम नहीं था तो मैं मोर देन 200 एडवोकेट्स जो हैं वो हमारे साथ हैं, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट है वहाँ हमारे एसोसिएट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे एसोसिएट्स हैं, मैं उस एजेंसी का प्रोप्राइटर हूँ जहाँ कंसल्टेंसी एडवोकेट एसोसिएट्स के नाम से। सर बहुत बड़ी बात है और मैं दर्शकों को बताऊँ कि आप इस खबर को सुने ही नहीं, इसको सुरक्षित रखेंगे क्योंकि जो बात अभी हो रही है यह आपके लिए नहीं आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदेमंद है, इसलिए कि कोर्ट ही एक ऐसा मामला है जिसके चक्कर में ज़िंदगी में एक न एक बार जाना पड़ता ही है, जो बच गया वो मुकद्दर वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस दुनिया में बहुत कम ही लोग होंगे जिन्हें कोर्ट या फिर मुकदमा से पाला नहीं पड़ता होगा। सर एक चीज़ बताइए मुझे, आप हमारे जो दर्शक हैं ये हिंदुस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी हैं, मान लिया जाए कि कोई शख्स अगर बाहर रह रहा हो और उसे मुकदमा लड़ना या लड़वाना है, वो आपसे मिल सकता है या बात कर सकता है? देखिए, हमने तो पूरे भारतवर्ष के लिए या भारतवर्ष से बाहर जितने भी हैं उन लोगों को तो हम कहते ही हैं, हमारा एडवर्टीजमेंट निकलता है गूगल पे, न्यूज़पेपर्स में, हम तो उन लोगों से जुड़ना ही चाहते हैं तो हम तो हर जगह उनके साथ खड़े हैं। जैसे अभी मधुबनी में बहुत सारे मामलात हैं, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कोई रेप का मामला है, किसी के शोषण का मामला है, लोग करते क्या है कि उस मामला को दबा देते हैं, कभी लॉयर को या फिर कभी आगे पीछे, आप लोगों के लाइन में भी जो है मैनेज करने की संभावनाएँ बढ़ गई हैं, तो मनोज झा जी उस तरह के मामला को कैसे डील करते हैं? देखिए, हम तो यह कहना चाहेंगे सर्वप्रथम लॉ की पढ़ाई जो है वो क्लास 1 से ही शुरू कर देनी चाहिए, जैसे संस्कृत और हिंदी का पढ़ाई शुरू किया जाता है। जब तक इंसान जागरूक नहीं होगा, अपने पैर पे खड़ा नहीं होगा और उसे अपनी ताकत की पहचान नहीं होगी, तब तक वो मैनेज होता रहेगा मजबूत वर्ग के दलों के द्वारा। अगर रेप केस है, रेप केस थाना दर्ज नहीं करती है तो उसको आप डायरेक्टली कोर्ट में जाके दर्ज कर सकते हैं या 156(3) का एप्लीकेशन मूव करके थाना को डायरेक्शन FIR का आप ले सकते हैं। सरकार ने रेप केस को नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल बनाया है, पहले यह कॉम्प्रोमाइज होकर ख़त्म हो जाता था, लोग पैसा देकर आपस में कॉम्प्रोमाइज करके इसको ख़त्म कर दिया करते थे, अब सरकार ने इसको ऐसा कर दिया है कि रेप केस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, सीधा इसका फैसला होगा, जजमेंट होगा।
इस दरमियान में अगर मान लीजिए कि जो रेप करने वाला है वो अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, वो कह देता है हमारे सहमति से, वह कोर्ट में झूठी गवाही दे देता है, तभी अपराधी बच पाते हैं। सर तो जैसे कि आप हमारे आज स्टूडियो में आप मौजूद हैं, दर्शक बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे मधुबनी के भी या फिर मधुबनी से बाहर के भी, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर के, जिन्हें जानकारी नहीं रहा होगा मनोज झा के बारे में, जिनका इतना बड़ा एसोसिएट चल रहा है और इससे इतना बड़ा फ़ायदा लोग ले रहे हैं और लिया जा सकता है, उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उनको सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि RTI बहुत मजबूत है। वो कहीं अगर अपना आवेदन देते हैं, उनके साथ कोई अपराध होता है, तो सबसे पहले वो मेल के थ्रू कमिश्नर ऑफ पुलिस और कंसर्न पुलिस स्टेशन को जो है वो मेल के थ्रू सबसे पहले अपना कंप्लेन भेज दें, फिर वहाँ संपर्क करें। अगर उनको वहाँ पे रिस्पांस नहीं मिलता है थाना पुलिस में, तो वो RTI लगाएं, RTI से उनके पास पहुंचेगा और कोर्ट को अप्रोच करें, कोर्ट को इमीडिएट अप्रोच करें। वो उनके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, जो वो मेल डालेंगे उस मेल की कॉपी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा। तो RTI में ऐसा नियम है कि अगर आप RTI का जवाब नहीं देते हैं तो दोषी होकर आपको जेल जाना पड़ता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे कर्मवीर, आज के कर्मवीर हैं मनोज झा जी, इन्होंने बहुत कीमती बात आपको बताई है लॉ से संबंधी। मैं भी चाहूँगा, हिंदुस्तानी मीडिया की टीम चाहती है कि आप इनकी बातों को सुने और ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। मैं चाहूँगा सर आप एक बार नंबर बोल दें, 9875538766 नंबर इन्होंने बता दिया है, ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर रब्ता करें, इसलिए कि इनकी सलाह से अगर आप चलेंगे तो हो सकता है कि आप अगर किसी जुर्म में फंस रहे हैं और अगर आप मुजरिम नहीं हैं तो आप बच सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और करवीर के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।